हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं। यदि आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से समझकर लूसेंट को याद कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में ये 6th क्लास है, यानी कि 6वीं क्लास है। ऑलरेडी मैं 5 क्लास के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज की 6वीं क्लास में और 6वें भाग में हम महाद्वीप भाग 1 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि महाद्वीप वाला भाग बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट इस पार्ट में हम एशिया एवं यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार माई स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, न्यूज़ और लूसेंट सामान्य ज्ञान के और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान महाद्वीप भाग 1। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने स्थल मंडल को कंप्लीट किया था और आपको मालूम है कि स्थल मंडल की सबसे बड़ी इकाई को हम महाद्वीप कहते हैं। और यदि हम बात करें पृथ्वी के भूभाग की, तो पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? महाद्वीप कहलाती है। संपूर्ण पृथ्वी में आपने देखा होगा कि संपूर्ण पृथ्वी के लगभग जो स्थल क्षेत्र है, उस स्थल क्षेत्र को 7 अलग अलग महाद्वीपों में बांटा हुआ है, जैसे कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसको मैं आपको एक बार फिर से ग्लोब पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। आप समझेंगे ये पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पर ये जो भाग है ये आपका एशिया महाद्वीप, इसके साथ ही ये जो भाग है आपका यूरोप महाद्वीप, इधर जो आपका भाग पड़ता है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बारे में जाने जाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, और इधर पे है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो 7वां महाद्वीप है वो यहाँ पर है, जिसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब भी आप जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं वो इन महाद्वीप से काफ़ी पूछे जाते हैं, और ये वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि एशिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये हिब्रू भाषा का शब्द है जिसे बोला जाता है आसू, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य, यानी कि एशिया महाद्वीप उदित सूर्य का जो है महाद्वीप है। इसका मतलब है सूर्य का उदय पूर्व से होता है, तो पूर्व से ही ये महाद्वीप की शुरुआत होती है, इसलिए इसको एशिया कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व का लगभग 30% है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप की जब भी आप बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप से होकर तीन प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं विषुवत रेखा, वो ये वाली रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा के साथ साथ आर्कटिक रेखा, ये तीनों रेखाएँ जो हैं वो किससे गुजरती हैं? एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एशिया के उत्तर में जब भी आप एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो इसके उत्तरी वाले भाग में यानी कि ऊपर वाला भाग आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में यानी कि नीचे वाले भाग में हिंद महासागर है, पूर्व में यानी कि ये वाला भाग प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में जो है, पश्चिम में देखिए एशिया महाद्वीप जो होता है वो यूरोप से लगता है, तो एशिया महाद्वीप यूरोप से जो अलग होता है वो कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और काला सागर द्वारा अलग होते हैं। इसके अलावा यदि आप एक और चीज़ देखें, भूमध्य सागर एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की सीमा का निर्माण करती है। दोस्तों, लाल सागर और स्वेज नहर,
ये दो ऐसे भाग हैं जो कि एशिया महाद्वीप को किससे अलग करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। जब भी आप देखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप और इधर एशिया महाद्वीप, ये जो एशिया अफ्रीका से अलग होता है वो लाल सागर और स्वेज नहर से अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा बैरिंग जलसंधि, दोस्तों बैरिंग जलसंधि के बारे में आप चीज़ें अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बैरिंग जलसंधि जो है वो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। देखिए ये एशिया महाद्वीप है और ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये अलास्का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र इसको अलग करता है किसको, एशिया महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका को। तो इनके बीच वाले क्षेत्र को ही कहा जाता है बैरिंग जलसंधि, ये क्षेत्र है बैरिंग जलसंधि। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। इसके दोनों रीज़न हैं, क्योंकि इंडिया यानी कि भारत और चाइना दोनों अधिक जनसंख्या वाले पहले और दूसरे नंबर पे देश आते हैं और ये एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। इसके अलावा आप बात करें कि एशिया महाद्वीप का निर्माण सबसे प्राचीनतम युग के स्थलखंड से हुआ है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं स्थल को, तो प्राचीन काल में जो स्थल वाला भाग था वो एक ही था, ठीक है। उसके बाद इसके दो टुकड़े हुए, एक कहलाया अंगारलैंड और एक कहलाया गोंडवानालैंड। अंगारलैंड और गोंडवानालैंड दोनों सबसे प्राचीनतम स्थल के क्षेत्र हैं और इन दोनों से ही एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है। अंगारलैंड रूस एवं चीन आते हैं और गोंडवानालैंड पूरा प्रायद्वीपीय भारत आता है। आप समझ रहे होंगे, यदि कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं। देखिए प्रायद्वीप क्या कहलाता है मैं आपको बता दूँ, जो भाग तीनों ओर जल से घिरे रहते हैं, समुद्री जल से, तो वो क्षेत्र कहलाता है प्रायद्वीप, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं, एक है अरब का प्रायद्वीप, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके अलावा दूसरा जो है दक्कन का प्रायद्वीप और तीसरा है इंडो चीन का प्रायद्वीप, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा विश्व का प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है, तो अरब जो देश पड़ते हैं वो प्रायद्वीपीय देश कहलाते हैं और अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट हम बात करें, एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी स्थित है। ये आप पहले भी देख चुके हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत, और उसी में स्थित है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये भी कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में, और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि नेपाल में आती है। ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में आती है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान क्या हो गया, एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार, दोस्तों विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है वह कौन सा, तिब्बत का पठार है, ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे विस्तृत पठार है, जो कि 200,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एशिया में स्थित है। इसके देखिए एशिया के महत्वपूर्ण पॉइंट में ये भी आता है कि एशिया में विश्व का सबसे विस्तृत पठार स्थित है, जिसे तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ एशिया में विश्व की सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसे क्या कहा जाता है, संसार की छत या फिर विश्व की छत, ठीक है, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत किसे कहा जाता है, तो संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है, क्लियर है। संसार की छत किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पठार कौन सा है, सॉरी, वह है तिब्बत का पठार। दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। पामीर का पठार जो है वो संसार की छत के नाम से जाना जाता है और विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, ठीक है। जो कजाकिस्तान, तुर्किस्तान वाला, तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर पामीर का पठार पाया जाता है,
और तिब्बत जो है वो तिब्बत और चीन वाले भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी एशिया का कौन सा है? चीन है। और सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। नेक्स्ट हम बात करें एशिया के स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध देश वो कहलाते हैं जिनकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती, वो कंप्लीट स्थल रुद्र देश कहलाते हैं। तो ये आपके स्थलीकृत या फिर स्थल रुद्र देश हैं। ठीक है, आप देख लेना एक बार, ऐसा ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे मैप में जब एक बार इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। ठीक है, जो कि चीन में है। और सबसे गहराई वाला क्षेत्र है मृत सागर। ठीक है, जॉर्डन जो है वहाँ पर पड़ता है मृत सागर। इसके अलावा एशिया में फिलीपींस जो द्वीप समूह हैं, ठीक है, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह है, उसके पास सबसे गहरा महासागरीय गर्त पाया जाता है। और ये महासागरीय गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। देखिए, सबसे गहरा क्षेत्र जो है वो आपका मृत सागर है, पर सागरीय गहरा गर्त जो है वो कौन सा है? वो है मैरियाना गर्त। इसके अलावा विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बेकॉल झील है। ठीक है, और ये भी कहाँ पे है? एशिया में, और एशिया में रूस में पड़ती है बेकॉल झील। विश्व की सबसे बड़ी, देखिए गहरी के बाद बड़ी झील, ठीक है, बड़ी झील है कैस्पियन सागर। यह भी कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में। क्लियर है, आप बता दें कि कैस्पियन सागर जो है वो एशिया महाद्वीप का जो भाग है, साइबेरिया, वहाँ पर ये दोनों स्थित हैं। क्लियर है, कैस्पियन सागर और बेकॉल झील। नेक्स्ट यदि हम बात करें एशिया विश्व की सबसे एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, वो है पैगोंग झील। पैगोंग झील जो है वो लद्दाख यानी कि भारत में आती है। इसके कुछ भाग पर तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है, जिस पर चाइना का कब्जा है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। और इसके बारे में आप काफ़ी पहले से पढ़ चुके हैं, जो कि मौसिन राम है। और मौसिन राम जो है मेघालय यानी कि भारत में आता है। मेघालय में जो मौसिन राम या फिर चेरापूंजी वाला क्षेत्र है, यह तीन प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है भाग है, जो कि गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। वहां पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, और ये वर्षा 11,000 मिलीमीटर के समथिंग होती है। विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन का निर्माण भी चीन ने किया है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका, आपको मालूम है श्रीलंका भी एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। ठीक है, और श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है महावेली गंगा। क्लियर है, सिलोन या फिर श्रीलंका जिसकी सबसे बड़ी जो नदी है वो महावेली गंगा है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर है। क्लियर है, ये कई बार पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म स्टेशन की बात नहीं करते, और ये प्लेटफॉर्म है गोरखपुर प्लेटफॉर्म। तो कुछ और वन लाइनर आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। ठीक है, चीन विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ता है, जो कि एशिया महाद्वीप का देश है। इसके अलावा सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। सबसे अधिक डाक घर जो हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस वाला देश कौन सा है? भारत है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि प्रशांत महासागर में कुछ गिरने वाली नदियाँ, वैसे ये चीज़ आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से बहुत कम पूछा जाता है, ये मैं फैक्ट्स यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करेंगे
एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक डेंसिटी वाला, सर्वाधिक घनत्व वाला जो द्वीप है वो है जावा द्वीप। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक कौन सा देश है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है जो देश है वो जूट और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास यानी जल विद्युत पैदा करने वाला देश जो है वो जापान है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जैसा नाम से समझ में आ रहा है, साइबेरिया यानी कि रूस के एशिया वाले भाग में है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। क्लियर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन सुरंग है जो कि जापान में है और इसकी लंबाई है 53.85 किलोमीटर। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश है थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद मलेशिया और फिर आता है इंडोनेशिया। वैसे आप थाईलैंड याद रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर सबसे अधिक वाली बात जो है वो पूछी जाती है। सबसे अधिक तंबाकू, चाय, कपास इत्यादि के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? तो गेहूं, चावल, कपास, ठीक है, चाय आदि के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। ठीक है, एशिया विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक वाला देश अभी हम पढ़ चुके हैं कौन सा है, जापान है। एशिया में सबसे अधिक टिन का उत्पादन मलेशिया में किया जाता है। इसके अलावा जो मलेशिया की इपोह खान है, इसको याद रखेंगे, मलेशिया की इपोह खान जो है वो टिन उत्पादन का केंद्र के नाम से जानी जाती है। एशिया का सबसे गर्म स्थान ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो, और सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया रूस में है। क्लियर है। साथ ही यदि हम बात करें स्वेज नहर की, आपको मालूम होगा स्वेज नहर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। विश्व का सबसे अधिक सिनकोना आप जानते हैं। ठीक है, सिनकोना एक प्रकार का या हम बात करें केमिकल होता है। ठीक है, जो कि कुनेन और मलेरिया की दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है। तो सिनकोना सबसे अधिक निकाला जाता है कहाँ से? इंडोनेशिया से। एशिया का सर्वाधिक जलयान वाला देश कौन सा है? तो वो है जापान। एशिया का सर्वाधिक जलयान वाला देश जापान है। साथ ही साथ आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इन दोनों को जो चीज़ जोड़ती है उसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रशांत महासागर और आर्कटिक को जोड़ने वाली जो संधि है उसे बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ हम बात करें बेरिंग जल संधि से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निकलती है, यानी कि बेरिंग जल संधि किसके समांतर है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। विश्व में सबसे अधिक सिंचाई की नहरें कहां पर स्थित हैं? तो सबसे अधिक सिंचाई नहरों के जाल वाला देश है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान में सबसे अधिक सिंचाई नहरें हैं। इसके अलावा स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। क्लियर है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा म्यांमार किसके लिए जाना जाता है? तो म्यांमार अपने बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपके एशिया महाद्वीप से संबंधित थे। नेक्स्ट यदि हम अब बात करें तो वो है अगला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में यदि हम बात करें तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम वाले भाग में यूरोप महाद्वीप स्थित है। हमने पहले भी पढ़ा था कि यूरोप महाद्वीप जो है एशिया से जो अलग होता है वह यूराल और काकेकस पर्वत द्वारा अलग होता है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो महाद्वीप वाले जो भाग हैं जो लूसेंट में दिए गए हैं केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है डायरेक्ट वन लाइनर के तौर पर, और यही पॉइंट्स आपसे
पूछे जाने की संभावना होती है। कुछ चीज़ें इसमें समझाने लायक होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, इसलिए जहाँ पर ज़रूरी लगता है समझाने का वहाँ पे मैं समझा देता हूँ, और जहाँ लगता है ये जस्ट आपको याद रखना है, रीडिंग की ज़रूरत है, तो मैं आपको रीडिंग करके बता देता हूँ। चलिए, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूराल और काकेकस पर्वत ही एशिया महाद्वीप से यूरोप को अलग करते हैं, क्लियर है। और इस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में जो देशों की संख्या है वो कितनी है, 46 है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक नगर यानी सर्वाधिक सिटी वाला नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका यूरोप महाद्वीप ही है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, बाकी सभी महाद्वीपों से छोटा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप केवल और केवल किससे बड़ा है, केवल ऑस्ट्रेलिया से ही बड़ा है, बाकी सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, ठीक है, ये उत्तर वाला भाग है ऊपर, उसे उत्तरी ध्रुव सागर। दक्षिण में भूमध्य सागर, पहले ही पढ़ चुके हैं भूमध्य सागर और काला सागर। और पश्चिम में है अंध महासागर, अंध महासागर को ये वाला भाग है अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका आर्कटिक, ठीक है, ये हो गया अंध महासागर, ये हो गया आपका भूमध्य सागर और लाल सागर। और यहाँ पर तो एशिया था ही, जो कि यूराल और काकेकस पर्वत से अलग हो रहा था। यूरोप का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत एल्बर्ज पर्वत शिखर है, और यह रूस में स्थित है। इसके अलावा आल्पस पर्वत भी यूरोप में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट ब्लैक, और माउंट ब्लैक जो है वो फ्रांस में स्थित है, ठीक है दोस्तों। एल्बर्ज पर्वत शिखर यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी है वो डैन्यूब नदी है दोस्तों। डैन्यूब नदी के किनारे कई सारे बंदरगाह स्थित हैं, ठीक है, जैसे कि बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड, ये सारे बंदरगाह जो हैं वो डैन्यूब नदी के किनारे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नदी के नाम से जानी जाती है, क्लियर है। इसके अलावा डैन्यूब नदी जो है वो यूक्रेन से बहते हुए काला सागर में जाकर गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी, ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर, तो लंदन जो है ब्रिटेन में जो आता है, लंदन जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। साथ ही साथ लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, टेम्स या थेम्स जिसे बोला जाता है, लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, यह सीन नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व का सबसे सुंदर नगर जाना जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कान फिल्म फेस्टिवल, कान फिल्म फेस्टिवल भी फ्रांस में ही, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाता है दोस्तों। विश्व का अन्न भंडार या फिर विश्व की रोटी की डलिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यूक्रेन गणराज्य को। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश इटली है, ठीक है, इटली में सबसे अधिक अंगूर एवं जैतून का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त अंतर जलमार्ग किस नदी का है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो राइन नदी का जलमार्ग है वह यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है, ठीक है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त या फिर व्यापारिक अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन ओरिएंट रेल मार्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस, देखिए रूस जो है वो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप में भी है, पर इसकी जो मॉस्को कैपिटल है वह कहाँ पर है, वह यूरोप में है, इसलिए रूस को जो बोला जाता है किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में ही इसे कहा जाता है। इसके अलावा फ्रांस जो है वो सैंपेन के लिए जाना जाता है, ठीक है। यूरोप के अधिकांश देशों को तीन ओर से, देखिए ये एक पॉइंट आप समझ लीजिए, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहने का कारण है कि इसके ज़्यादातर जो देश हैं यूरोप महाद्वीप के, वो तीन ओर से जल से घिरे हुए हैं, और तीन ओर से जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप खुद जो है वो
तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप, ठीक है, या फिर प्रायद्वीपों का महाद्वीप। झीलों का देश किसे कहते हैं? तो यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जो इटली है उसे यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हमारे भारत की तरह ही कृषि प्रधान देश है। इसके अलावा भारत के एक हिमालय पर्वत के तरह यहाँ पर भी आल्प्स पर्वत स्थित है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। दोस्तों, यूरोप में सर्वाधिक जल विद्युत, देखिए जैसे आपने एशिया महाद्वीप में जल विद्युत के बारे में पढ़ा था कि जापान में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसी तरीके से यूरोप महाद्वीप में इटली एवं स्वीडन में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट यदि हम बात करें इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। इंग्लिश चैनल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आपका यूनाइटेड यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, और ये फ्रांस है, ये आपका अटलांटिक या फिर अंध महासागर है, क्लियर है, और ये आपका आर्कटिक है। तो अंध महासागर और आर्कटिक के बीच इस तरीके से एक हम कह सकते हैं जल का विभाजन है, जो यूके को किससे अलग करता है, जो यूके को फ्रांस से अलग करता है, और इसी को बोला जाता है इंग्लिश चैनल, क्लियर है। साथ ही साथ यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो जो गल्फ स्ट्रीम होती है एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के कारण ही जो यूरोप है वहाँ पर सर्दियों के समय पे गर्म जलधाराएं या फिर गर्मी का मौसम बनता है, जिसे यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का प्लेग्राउंड कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। दोस्तों, यूरोप का मरीज, जैसे आपको मालूम होगा पहले जो एशिया में चीन है उसे एशिया का मरीज बोला जाता था, ठीक है, इसी तरीके से यूरोप में तुर्की को बोला जाता था यूरोप का मरीज, क्लियर है, अभी भी बोला जाता है यूरोप का मरीज किसे? तुर्की को। इसके अलावा तुर्की जो है काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, और इसका कुछ भाग जो है वो एशिया के जो पश्चिम वाले भाग हैं वहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ डाइक और पोल्डर किसे कहते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। तो क्या होता है कि नीदरलैंड ज़्यादातर जो भाग है उसका उत्तरी सागर के तट पर लगता है, वहाँ पर नीदरलैंड अपने लिए कुछ तटबंध बनाकर समुद्री भूमि प्राप्त करता है कि समुद्र में कुछ जगह मिल जाए, तो जो तटबंध बनाते हैं उसे डाइक कहा जाता है, और जिन तटबंध से जो उसको जगह प्राप्त होती है, भूमि प्राप्त होती है, उन भूमि को पोल्डर भूमि कहा जाता है। इसके अलावा इटली की गंगा किसे कहा जाता है? देखिए इटली में कई बार हमने पढ़ लिया इसको यूरोप का भारत कहा जाता है, ये पॉइंट है। पो नदी, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस की सीन नदी, ठीक है, कहाँ गिरती है? तो यह इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है, क्लियर है। इसके अलावा फ्रांस जो है एकमात्र यूरोप का ऐसा देश है जो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर है, इसलिए इसको किसानों का देश कहा जाता है, साथ ही साथ इसे समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। दोस्तों, यूरोप के नॉर्वे में स्लेवार्ड द्वीप में एक जगह है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार मतलब यहाँ पर पूरे विश्व में जितने भी प्रजाति के जो भी बीज हैं वो वहाँ पर स्टोर करके रखे गए हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे? नॉर्वे में रखे गए हैं। आगे हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की। दोस्तों, आपने यूके की बात सुनी होगी, यूनाइटेड किंगडम की बात सुनी होगी, जिसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर बनाया गया है,
ठीक है। इसके अलावा जब इसमें हम उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ते हैं, किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में, तो इस संपूर्ण भाग को, इन चारों भागों को मिलाकर कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपने सुना होगा, यह फ्रांस से अलग होता है इंग्लिश चैनल के द्वारा। साथ ही साथ यदि हम बात करें, मॉस्को को पांच सागरों का पत्तन कहा जाता है। मॉस्को आपकी रूस की कैपिटल है और ये कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लोडोगा झील को मिलाकर, इसी के कारण इसको पांच सागरों का पत्तन कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र कौन सा है, तो वो है एंटवर्प। एंटवर्प बेल्जियम में स्थित है और इसे विश्व के सर्वाधिक हीरा व्यापार का केंद्र कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने एशिया एवं यूरोप महाद्वीप के महाद्वीपीय भाग वन में कंप्लीट किए, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनको समझा। इसके अलावा जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, वह आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।